हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन शेयर्स के बारे में जिसका नाम है जुबिलियन। तो पर उससे पहले कि इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। दो नई वीडियो आ चुकी है हिंदुस्तान यूनिलीवर ITC पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो जुबिलियन फूड के बारे में बात करेंगे, पर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इनफैक्ट जिन किसी के पास भी अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी अप स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर बात करें जुबिलियन के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करेंगे। जुबिलेंट देख सकते हैं राइट नाउ 547 रुपीज पे करेंटली ट्रेड कर रही है और 6 मंथ में इसमें अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखी है। इनफैक्ट आप लोग को पता होगा, जो लोग नहीं ट्रैक कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, इसमें स्प्लिट होते हुए दिखी थी जिसके चलते ये और गिरावट बनाई है। तो इसको लेके आप लोग को पैनिक नहीं होना, आपका प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। 1:1 या 1:2 पे मतलब स्प्लिट होते हुए दी थी, ये ध्यान नहीं है मुझे, पर मेन हम लोग इंपॉर्टेंट टारगेट और सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। और लगातार आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ तो ध्यान दीजिएगा और मेरी मेहनत को भी सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन कैसी तेजी रही है, आज के दिन ऑलमोस्ट 1.12% की 1.12% की तेजी। और वही चीज़ हम लोग याद ध्यान दें तो निफ्टी 50 में बीच में गिरावट थी और फिर लास्ट में रिकवरी बनाते हुए दिखी थी, और यहाँ पे भी सेम तरीके से गिरावट कंटिन्यू रही है, फिर उसके बाद रिकवरी थोड़ी सी बनते हुए दिखी है। तो अब सबसे डाउन पॉइंट से अगर बात करें तो कितनी डाउन से ऊपर आते हुए दिखी है, तो ऑलमोस्ट 4% तक ऊपर आते हुए दिखी है। अगर सबसे डाउन पॉइंट से हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही डाउन गई थी, तो लो गई थी 523.25 तक, तो ये बहुत ही ज़्यादा लो होती है और इनफैक्ट बहुत कम उम्मीद भी हो जाता है। पर आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है, ये शेयर क्रैश हो सकता है ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। द रीज़न बिहाइंड तो उसके बारे में जान लेते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स देख सकते हैं 34.31%, ठीक ठाक होल्डिंग्स है, उतनी ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग एक बार मनी कंट्रोल की तरफ से बात करते हैं तो जस्ट वेट कंट्रोल या तो हम लोग मनी कंट्रोल की तरफ से मूव करते हैं, आप लोग को अच्छे से मैं समझा पाऊंगा इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए जब तक ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो मेनली सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेशन दिखाना चाहता हूँ कि कितना बाइंग और सेलिंग का बात चला है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट पे आ जाता हूँ, देख सकते हैं 29% सेल के लिए बोला गया है और 71% बाइंग के लिए बोला गया है। चलिए इस पार्ट को अगर हम लोग साइड में भी रखते हैं, साइड में रखते तो इसमें होल्डिंग्स उतनी कोई खास उठते हुए नहीं दिखी है रेगुलर मार्केट में, तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको मना करूँगा एग्जिट करने के लिए। मतलब एग्जिट करने का बात इसीलिए कर रहा था कि इस चीज़ को मैं मना करना चाहता हूँ कि आप उतनी ज़्यादा कुछ होल्डिंग्स भी अच्छी बनते हुए नहीं दिखी है। यहाँ पे बात करें तो 71% मतलब 71% बाइंग की है और बाकी तो सेल की ही, होल्डिंग्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो किस तरीके से फ्लो बनाई हुई है, कंसोलिडेट करिए, मार्केट ऑफकोर्स ऊपर जा सकती है तो आप अपना पैसा 30-40% होल्ड करके छोड़ सकते हैं, बाकी पैसा निकाल लीजिए, वो मैं ज़्यादा आप लोग को बोलूँगा क्योंकि एक करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से चेंजेस थोड़ा सा देखने को चाहिए। यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो रीज़न इसके पीछे का, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न आता है, आपको पता है ये डोमिनो से रिलेटेड वर्क काम करती है इसकी, तो सबसे पहले यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न आता है। तो यहाँ पे टारगेट जो HDFC की तरफ से दिया गया था 480, 1 वीक अगो की टारगेट है, 1 वीक पुरानी टारगेट, तो ये 480 की टारगेट दी गई थी रीज़न। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं नेट इनकम सबकी बात करें, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कम होते हुए दिखिए, ऑफकोर्स ये बन जाएगी फिर से बढ़ते हुए दिखेगी पर अभी टाइम लेगी। यहाँ पे बात करें शेयर प्राइस ऑफ जुबिलेंट फूड फॉल्स एज निफ्टी 50 वीकेंड्स, तो यहाँ पे ये न्यूज़ लेके निकल के आई है, तो ये कहीं ना कहीं निराशा भरी बात है। और क्या यह और भी डाउन आते हुए दिख सकती है जुबिलेंट फूड, तो चांसेस बन सकती है, हाँ ऑफकोर्स डाउन आ सकती है। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि सबसे फर्स्ट सपोर्ट, तो फर्स्ट सपोर्ट आप लोग लिख के रख लीजिए, जस्ट मैं 6 मंथ पे चला जाता हूँ, सॉरी 1 मंथ पे जाना था मुझे, 1 मंथ पे ही था। हाँ तो फर्स्ट सपोर्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ, फर्स्ट सपोर्ट सबसे पहली सपोर्ट जो आपकी यहाँ पे रहेगी वो मतलब अभी के, तो आप आराम से 540 की सबसे पहले सॉरी 535 की सबसे पहली टारगेट आप रख सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बनते हुए दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद आपकी जो सपोर्ट आएगी वो आती है 520 की, 520 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और उसके बाद ज़्यादा डाउन की भी नहीं है, 500
12 की सपोर्ट है, मतलब 510 आप समझ जाइए। तो इस तीन सपोर्ट पे आपको ध्यान देना है कि ये तीन सपोर्ट पे वर्क करे, और यहाँ पे मतलब इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हुए दिखे तो आप लोग को, अगर सेकंड सपोर्ट ब्रेक करते हुए दिखे तो आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि ये फिर उसके बाद डाउन ट्रेंड एक फॉलो करते हुए दिख जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर मेन टारगेट की बात करें तो मैं इधर मूव करना चाहूँगा। तो अगर हम लोग टारगेट की बात करें, मंथली टारगेट की बात करें, तो आराम से आपको अगर ये उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नहीं दिखती है, मतलब जिस तरीके से न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है, मैं आप लोग को नेगेटिव न्यूज़ के रिगार्डिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ फैलती है तो पब्लिक का अटेंशन थोड़ा सा चेंजेस होता है, अटेंशन तो पड़ती है स्टॉक में पर चेंजेस होता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, यहाँ वहाँ बाइंग सेलिंग, तो बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हो सकती है मार्केट में। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आती है, यहाँ पे आपको गिरावट बन सकती है पर हाँ नहीं भी बन सकती है, रीज़न उसके पीछे का आपको पता है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये फंडामेंटली तो आपको बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ा सा चेंजेस होते हुए दिखा है स्प्लिट के बाद से, तो टाइम लेती है कंसोलिडेट कर रही है, तो आपको ध्यान देना है। यहीं पे बात करते हैं इसकी टारगेट 600-580 तक आती है टारगेट, सबसे पहली टारगेट, और फिर ये 600 तक टच करने का चांसेस रख सकती है इस वीक में। पर अगर कुछ फर्दर अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा, और आप लोग के लिए रेगुलरली मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।